स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर दिया था, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस तक। तो 13 का मैंने आपको फिगर बनवाया था, ये आपसे क्वेश्चन बन गया होगा, बहुत सिंपल था, हिंट भी मैंने दी थी कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या गिवन है, हमको फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में। फिगर हमको क्या गिवन है कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो एक बलून है, ठीक है, और एक 1.2 मीटर की जो गर्ल है वो उस बलून को ऑब्ज़र्व कर रही है, जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ओके, इस लाइन में मूव कर रहा है। और हाइट क्या है बलून की, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, आइज ऑफ गर्ल्स का एंगल ऑफ, मतलब बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, आइज ऑफ गर्ल्स से कितना गिवन है, 30 डिग्री, ओके, ये क्या है 30 डिग्री, ये देखिए ये क्या है 60 डिग्री, 30 डिग्री तो ये है, पहले ये वाला कौन सा है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, देखिए 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, क्यों हुआ ये, देखिए ये बलून ऐसे है, जब इधर मूव करेगा तो इस बलून को जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो एंगल कम होगा, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस पूरे इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसमें भी आपको हिंट दूंगा। हमको एक बलून यहाँ पे दिया हुआ है, कितने डिग्री पे है ये वाला बलून, सेम बलून 60 डिग्री पे है, ओके, ये कितने डिग्री में, यहाँ पे एक गर्ल है, इस आइस से इसको क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, जब बलून यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन पे, ओके, जब बलून इस पोजीशन, अच्छा ये जो हाइट आपको दी हुई है ग्राउंड से दी हुई है कितनी, 88.2 मीटर, ये ग्राउंड से दी हुई है, तो आपको इस गर्ल की हाइट क्या करनी होगी, माइनस करनी होगी, और गर्ल की हाइट कितनी दी हुई है 1.2 मीटर। तो कुछ देर के बाद ये बलून की पोजीशन यहाँ पे हो जाती है, तो एंगल यहाँ से क्या होएगा, चेंज हो जाएगा, ओके, अभी ये था, अब क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये समझ में आई बात। तो आप नेम दे दो ए बी सी डी ई, यहाँ पे हमारे पास हाइट जो है, अगर हमको कौन सी हाइट चाहिए, सी डी हाइट चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, 88.2 में से इसकी अगर ओरिजिनल हाइट हम देखें सी डी, तो क्या होगा ये पॉइंट, इसको मैं नेम दे देता हूँ एफ, इसको एफ नेम दे देता हूँ और इसको जी नेम दे देता हूँ। तो अगर आपको क्या चाहिए, सी डी चाहिए, तो एफ डी माइनस क्या करोगे, सी एफ करोगे, और सी एफ कितना है, जो इधर है वही तो इधर भी है 1.2, वही होगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, 88.2 माइनस 1.2, तो ये 87 हो जाएगा, क्या सी डी, सी डी कितना हो जाएगा 87। एंगल यहाँ पे मेंशनड है आपको दोनों, तो आप क्या करोगे, पहले इस ट्रेंगल के लिए सॉल्व करो, ठीक है, इस ट्रेंगल के लिए सॉल्व करो, फिर क्या करना, इस ट्रेंगल के लिए सॉल्व करना, ये 87 है तो ये भी 87 हो जाएगा, ओके, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन सेम में थे ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए बी के लिए सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल ए बी एंगल कितना है 60 डिग्री, सो इन ट्रायंगल ए बी ई 10 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए ई अपॉन बी ई, ए ई अपॉन बी, ए ई कितना है 87, बी कितना है हमको नहीं पता, बी 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, 87 अपॉन बी ई, बी कितना आ जाएगा 87 अपॉन √3, बी हो जाएगा 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये हो गया 87 √3 3 6 3 9 27, ये आ गया 29√3। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब हमारा बी आ गया है, ओके, बी कितना आ गया है 29√3। अब ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, बी डी सी लेंगे, इन ट्रायंगल
बी डी सी, इंटरंगल बी डी सी में क्या होगा बताइए, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू सी डी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बी सी। ओके, तो 1/√3 हो जाएगा टेन 30 डिग्री की वैल्यू, और सी डी कितना गिवन है, सी डी अभी आपने निकाला 87 अपॉन बी सी कितना है, बी सी आपको नहीं पता, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87√3। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल क्या निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से ले यहाँ तक का डिस्टेंस कौन सा है, ई सी तो है, तो ई सी कैसे निकलेगा बताइए, बी सी माइनस बी कर देंगे तो ई सी आ जाएगा, तो ई सी इक्वल्स टू ये आप मीटर में लिख लेना, ठीक है, ये दोनों यूनिट जरूर मेंशन करना है हमको, अगर हम यूनिट नहीं मेंशन करेंगे तो हमारे मार्क्स कटते हैं। ई सी कैसे निकलेगा, ई सी निकलेगा बी सी माइनस बी ई, बी सी कितना है, बी सी है 87√3 माइनस 29√3, तो ये कितना आ जाएगा 8, ओके, और 558√3 इज द आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखते हैं, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखिए पहले हम इसका फिगर बनाते हैं तो आपको क्लियर होगी कंडीशन क्या है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो है क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसमें हमको टाइम दिया हुआ है, तो हम जानते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अब डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको टाइम दिया हुआ है, आप स्पीड एक वेरिएबल ले लेना जो आपको लेना हो, एक्स वाई जेड जो भी आप लेना चाहो, या एस लेना चाहो तो एस भी ले सकते हो स्पीड के लिए, और उसको डिस्टेंस मान करके, टाइम इंटू स्पीड मान करके डिस्टेंस की तरह सॉल्व करिएगा, फिर लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा तो वहाँ पे हम चेंज देखेंगे क्या हमें करना है। तो क्वेश्चन है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, देखिए एक हाईवे है हमारा, सपोज ये हाईवे है, ये लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, यहाँ पे एक टावर है, ओके, क्या कर रहा है इसके टावर के फुट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट गिवन है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे कोई मैन स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे मैन स्टैंड कर रहा है टॉप में, टावर के टॉप में एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ओके, यहाँ पे ये है एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, सपोज ये 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन में इसको क्या किया उसने, ऑब्जर्व किया, ओके, फिर क्या बात है, विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अब देखिए यहाँ भी स्पीड जो है इस कार की, यहाँ पे जो कार है हमारी, इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसी है, यूनिफॉर्म, ये इसके फुट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, फुट की तरफ अप्रोच कर रहा है, और 6 seconds के बाद, मतलब यहाँ पे सपोज 6 seconds हो गए हमारे, 6 seconds के बाद जो एंगल है वो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बन रहा है 60 डिग्री, सिक्स सेकेंड्स के बाद जो एंगल होगा कितना होगा, डिप्रेशन 60 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ये 30 डिग्री है, पैरेलल लाइन्स है ये दोनों, ट्रांसवर्सल है, ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ओके, यहाँ पे हो गया ये ए, ये हो गया बी,
ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए एंगल को नीचे बना दिया और ये क्या हो गया हमारा, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब इस कार को पहले यहाँ कार थी फिर यहाँ पे आई, अब इस कार को यहाँ इस फुट ऑफ टावर पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। देखिए ये 6 सेकेंड्स है ना, इसको हम लोग स्पीड इनटू टाइम के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए डिस्टेंस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 6x। एक्स क्या है, एक्स इज यूनिफॉर्म स्पीड, एक्स इज यूनिफॉर्म स्पीड। और क्या है हमारे पास, 6 क्या है, 6 क्या है टाइम, टाइम कितना है 6 सेकेंड्स, ये आपको गिवन है, ठीक है क्वेश्चन में ये आपको गिवन है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल। अब देखिए इसका टावर की हाइट वगैरह कुछ नहीं दी हुई है हमको, तो हाइट नहीं दी हुई है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। देखिए हम क्या कर लें, पहले ट्रायंगल कौन सा ले लें, ए बी सी, ये हाइट एच ले लेते हैं हम लोग और इसको ले लेते हैं वाई, ठीक है। वाई क्या है, वाई जो है डिस्टेंस है बी सी जो कि स्पीड इंटू टाइम के फॉर्म में होगा और स्पीड तो हमको पता है यूनिफॉर्म स्पीड एक्स होगी। अब उसमें से हम टाइम देख लेंगे तो हमको टाइम पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इंट्रेंगल ए बी सी, इंट्रेंगल ए बी सी टेन 60 डिग्री कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी, टेन 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू एच और बी सी की वैल्यू वाई। तो एच इक्वल्स टू हो गया रूट थ्री इंटू वाई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये हमने लिया फर्स्ट कौन सा इंट्रेंगल, ए बी सी लिया था, अब कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ए बी डी लेंगे। सेकेंड में आएगा हमारे पास ट्रेंगल इंट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रेंगल में क्या होगा बताइए। देखिए ए बी डी ट्रेंगल में टेन 30 डिग्री होगा बिकॉज एंगल डिग्री कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी की वैल्यू है एच, बी डी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू क्या है बताइए, 6x + y, 6x ये हो गया और y ये हो गया 6x + y, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन 6x + y, 6x शिफ्ट कर देंगे इधर, यहाँ पे हो जाएगा h√3। तो 6x + y, आप h की वैल्यू निकाल चुके हो, √3y है, यहाँ पे पुट कर दो h की जगह पे √3 × y × √3, तो ये हो जाएगा 3y, y को इधर शिफ्ट करेंगे तो 6x = कितना हो जाएगा 2y, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, y आ गया आपका 3x, x तो यूनिफॉर्म स्पीड थी, टाइम क्या हो जाएगा 3, तो टाइम कितना मिल गया आपको, टाइम आ गया 3 सेकेंड्स। और यही तो आपको फाइंड करना था कि सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आपने क्या लिखा, आपने बता दिया 3x इज द डिस्टेंस, x इज द यूनिफॉर्म स्पीड, देन 3 विल बी द व्हाट टाइम, सो 3 सेकेंड्स इज द टाइम। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन के में क्या है, देखिए द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द एंगल ऑफ टावर इज 6 मीटर। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको हिंट देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कहाँ का, टॉप ऑफ टावर का, फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से टॉप ऑफ टावर का क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस मेंशन है कि वो टू पॉइंट्स कितने कितने पे है, एक है 4 मीटर पे और दूसरा है 9 मीटर पे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, बेस ऑफ टावर से, और सेम स्ट्रेट लाइन में वो जो एंगल्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री।
तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड, आपको हाइट ऑफ टावर प्रूफ करना है कि 6 मीटर है। हाइट ऑफ टावर क्या करना है, प्रूफ करना है कितनी है, 6 मीटर है। फिगर बना लेते हैं इसका, कैसे बनेगा देखिए। टॉप ऑफ टावर का 2 पॉइंट से एंगल, ये टावर हो गया टॉप ऑफ टावर। अब एंगल्स बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये लाइन थोड़ी ज़्यादा एक्सीड हो गई है, यहाँ तक हम कर लेते हैं। तो एक एंगल ये ले लेते हैं, ये थीटा लेंगे, ठीक है। दूसरा एंगल क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसको क्या लेंगे बताइए, इसको 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। एंगल्स क्या है, सम ऑफ एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। देखिए आपको एक पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी गिवन थी, मतलब इससे टॉप की क्या है, ये 9 मीटर है। और इस पॉइंट से कितनी है, 1 is 9 मीटर, अदर इज 4 मीटर। ये हो गया 4 मीटर, तो ये ओवरऑल 9 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, पहले टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हाइट आप एच ले लो। अभी आपको हाइट ने प्रूफ करना है, अभी आप क्या कर लो, एच ले लो। तो टेन थीटा के उसको क्या हो जाएगा, एच अपॉन, पहले हम लोग ले रहे हैं ये ए बी डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, एच अपॉन क्या हो जाएगा, 9। तो टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 9 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा टेन 90 माइनस थीटा लेंगे, टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर तो एच ही होगा, और बेस क्या हो जाएगा बताइए, बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, पढ़ा है हम लोगों ने। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे ये दो आपको मिले हैं, तो इसमें आप कुछ पुट नहीं कर सकते हो। आप एक काम करो, इन दोनों क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो इधर से आर एच एस भी मल्टीप्लाई होगा, तो एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 4, एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 4, तो ये तो 1 हो जाएगा। टेन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई में 1 होगी, कॉट थीटा 1 अपॉन 10 थीटा होता है, तो टेन थीटा कैंसिल। ये होगा एच स्क्वायर अपॉन 36, 36 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी √36, डेट इज प्लस माइनस 6 वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी प्लस 6। ये हमारा प्रूफ हो गया, ओके, हाइट हमारी प्रूफ हो गई 6 है। तो ये हमारे ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 9.2 के।